एंड द सेकेंड है चैप्टर 8 द क्लॉथ्स वी वियर. सो जो हम कपड़े पहनते हैं तो उन्हीं के बारे में है कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से सीजन में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं. ओके, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट कपड़े पहनते हैं. सो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया. सो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये आपका चैप्टर है द क्लॉथ्स वी वियर. यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है. यहाँ समर सीजन दिया गया, विंटर सीजन. समर सीजन मतलब गर्मियाँ, विंटर सीजन जब सर्दियाँ होती हैं तब, एंड मानसून जब बारिश होती है. तो ऊपर कुछ और नीचे कुछ क्लॉथ्स दिए गए हैं. आपको यहाँ लाइन से ड्रॉ करके बताना है कि कौन से क्लॉथ्स जो है वो हम किस सीजन में पहनते हैं. सो ये स्वेटर है एंड स्वेटर को हम लोग रेनी उसमें विंटर सीजन में पहनते हैं. तो इसको आप इससे मैच करेंगे. रेन कोट है, उसको मानसून में यूज करते हैं. सो इसको यहाँ पे मैच करेंगे. ये शॉर्ट्स है, इसको यहाँ पे समर सीजन में. एंड कोट जो है वो विंटर सीजन में. फ्रॉक समर सीजन में. ग्लव्स विंटर सीजन में. एंड ये टी शर्ट है, ये समर सीजन में. ओके, सो ये है आपके एक सेकेंड. ये यहाँ पे ग्लव्स भी हो सकते हैं और शायद गम्बूट्स भी हैं. ये गम्बूट हैं तो इसको हम लोग मानसून में यूज़ करेंगे. ये जो गम्बूट हैं, ओके, इनको हम लोग मानसून में यूज़ करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट आ गए हैं. आगे वी ऑल वी वियर बियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी. हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. कपड़े जो हैं वो हमें हीट गर्मी से बचाते हैं. जब बहुत तेज़ धूप होती है तो हम अगर कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी सेफ रहती है. रेन बारिश से हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. कोल्ड जब सर्दियां होती हैं तो. वाइंड जब बहुत हवा चलती है. एंड इंसेक्ट बाइट और जो कीड़े काटते हैं उनसे बचने के लिए हम कपड़ों का यूज़ करते हैं. एंड गुड लुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. बी बियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स ओकेशंस और द वर्क बी डू. हम कपड़े पहनते हैं किसके अकॉर्डिंग? सीजन के अकॉर्डिंग. कौन से सीजन में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? ओकेशन होता है, अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, वेडिंग होती है, बर्थडे पार्टीज होती हैं और भी पार्टीज होती हैं, या तो हम उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं. एंड वर्क बी डू, या जब हम कोई वर्क करते हैं या हम कहीं पर भी वर्क करते हैं तो वहाँ की यूनिफॉर्म या कुछ भी पहनते हैं. ओके, सो जो कपड़े हैं वो हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग पहनते हैं. यहाँ पर लॉन्ग एगो प्रो प्यूपल यूज्ड लीव्स एंड स्किन फॉर ऑफ एनिमल्स कवर देयर बॉडी. बहुत साल पहले जो अर्ली मैन थे वो लिप्स का यूज़ करते थे एंड एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. ओके, अब यहाँ हम पढ़ेंगे क्लॉथ्स एंड सीजन्स. कपड़े और सीजन में सोता है ऋतु. इन समर वी बियर कॉटन क्लॉथ्स लाइक फ्रॉक टी शर्ट शॉर्ट्स ईटीसी. ये देखो, ये पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पर हल्के कपड़े हैं. सो ये जो कपड़े हैं जैसे फ्रॉक है, टी शर्ट है, स्कर्ट शॉर्ट है, इसको हम लोग समर सीजन में पहनते हैं. ये कपड़े कैसे होते हैं? दे आर लाइट एंड कीप अस कूल इन समर. ये कपड़े हल्के होते हैं जो हमें समर सीजन में गर्मियों में कूल रखते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इन विंटर बी वियर वूलन क्लॉथ लाइक कोट स्वेटर जैकेट मफलर ईटीसी. जब विंटर होती है, सर्दियाँ होती हैं तो हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? स्वेटर हुआ, वूलन कपड़े पहनते हैं, जिससे क्या होता है हमारे अंदर की जो कपड़े गर्म नहीं होते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो बाहर ना जा सके. ओके, सो ये वूलन के क्लॉथ जो हैं ये हमारी अंदर की एनर्जी को बाहर जाने से रोकते हैं. ओके, सो टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. जब ये हमारे अंदर की एनर्जी को बाहर जाने से रोकेंगे तो और बाहर की जो सर्दी ठंडी सी हवा होगी वो हमारे अंदर नहीं जाएगी तो हम कैसे अंदर से गर्म रहेंगे और सेफ रहेंगे. ओके, इन मानसून में क्या होता है? बी वियर रेनकोट एंड कैरी अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन. मानसून में क्या होता है, जब बारिश होती है हम रेनकोट का यूज़ करते हैं एंड अपने आप को भीगने से बचाने के लिए बारिश में अम्ब्रेला का यूज़ भी करते हैं. वी ऑल्सो बियर रबर गम्बूट टू कीप अवर फीट ड्राई. हम जो गम्बूट होते हैं रबर के उनका यूज़ करते हैं अपने पैरों को सूखा रखने के लिए. ओके, नेक्स्ट है
वेयर डू अवर क्लॉथ्स कम फ्रॉम, हमारे जो कपड़े हैं वो कहाँ से आते हैं. सो क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, कपड़े जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क एंड वूल. कॉटन जो होती है रुई बोल सकते हैं उसे, सिल्क जो है वो एक धागा होता है, मतलब सिल्क होती है उसको, एंड वूल और जो ऊन होती है, तो इनसे हमारे कपड़े बनते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, कॉटन के जो कपड़े बनाने के लिए हमें कॉटन कहाँ से आता है, तो कॉटन आती है कॉटन का प्लांट्स. आप देख रहे हो इस तरीके से, दिस इज कॉटन प्लांट एंड इससे इस टाइप का थ्रेड बनता है एंड थ्रेड फैक्ट्री मिल में जाके फिर ये शर्ट बनती है. ओके, एंड कॉटन बॉल्स आर प्लग्ड फ्रॉम इट एंड मेड इन टू थ्रेड्स. द कॉटन थ्रेड्स आर देन यूज टू मेक क्लॉथ्स. ये जो कॉटन प्लांट है इसमें ये बॉल्स हैं, फिर इनका यूज थ्रेड में होता है, इनसे थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड से जाके कॉटन के कपड़े बनते हैं. ओके, और फिर उन कपड़ों को हम यूज करते हैं. तो इस तरीके के और भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और ये जो था ये हमने प्रोसेस आपको बताया, एंड होमवर्क में है, ये आपको रिवाइज कर लेना. एंड जो आगे एक्सरसाइज थी फर्स्ट पेज पे, उसको आप अपनी बुक में कर लेना एंड इसको रिवाइज कर लेना. ओके, सो थैंक यू.